22 जून से आरंभ हो रहे राज्य स्तरीय सुनली मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उपमंडलाधिकारी सोलन रोहित राठौर की अध्यक्षता में मेला स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पंडाल, प्रदर्शनी स्थल, झूला आदि के लिए चिन्हित स्थानों का व्यवहारिक जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न मेला समितियों के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने पूर्व में आयोजित सुनली मेले के अनुभव के आधार अपने सुझाव भी रखे। इस अवसर पर नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष मीरा आनंद, पार्षद नीलम सत्या देवी सोना नाहर, मनोनीत पार्षद भर साहनी गौरव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एन के गुप्ता सहित विभिन्न समितियों के सरकारी व गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे। रोहित राठौर ने इस अवसर पर कहा कि मेला स्थल पर सभी को बेहतरीन व्यवस्था उपलब्ध करवाना जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व है और इस दिशा में श्रेष्ठ प्रयास सुनिश्चित बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय सोलनी मेले में आमजन की सुविधा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं यथावत बनाई गई हैं ताकि लोगों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। मेले की व्यवस्था में प्रशासन के साथ साथ नागरिकों को भी सहयोग देना होगा। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान लगने वाले भंडारे में थर्माकोल का प्रयोग नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नगर परिषद के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने उन्हें सुझाव दिए हैं कि उन्हें मेले को बेहतर करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। आज सुनली माता फेस्टिवल से संबंधित जो है सभी पदाधिकारियों की सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्यों के साथ हमने आज छोटो ग्राउंड में आके जायजा लिया है तैयारियों का और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी विभाग जो है तत्परता के साथ यहाँ पे कार्य करें। कुछ जो सुझाव एमसी सोलन की तरफ से आए थे जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स की तरफ से आए थे वो हमने इनकॉर्पोरेट कर दिए और प्रयास किया जाएगा कि इस बार जितने भी सुनली माता फेस्टिवल से संबंधित तैयारियां हैं वो गत वर्ष से ज़्यादा अच्छी इस बार रहे। ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा जो जारी आदेश किए गए हैं कि थर्मोकोल और जो पॉलीथीन है बेसिकली उसका यूसेज जो है वहाँ पे ना हो, इसके लिए व्यापार मंडल से भी डिस्कशन किया गया। उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है आश्वासन दिया गया था कि वहाँ पे सुनली माता फेस्टिवल से संबंधित जहाँ पे भी भंडारा लगेगा वहाँ पे ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना किया जाए।